रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिनांक 11 अगस्त 2024 को रोनियार वैश्य सभा दिल्ली महिला एवं युवा मंच के तत्वावधान से सावन मेला का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, संगीत एवं कला का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। बढ़ चढ़ कर समाज के लोगों द्वारा इस आयोजन में भाग लेकर आनंद का अनुभव किया गया। इस दौरान महानुभावों द्वारा अपने मन के भाव भी साझा किए गए, साथ ही गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान भी हुआ। तो आइए दिखाते हैं आपको इस आयोजन की विशेष झलकियां। मैं चाहूंगी कि हम लोग शुरुआत करें तो एक भगवान की परमात्मा को याद करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, मैं यहाँ पे रीना रानी जी और जया जी को निमंत्रित करती हूँ गणेश वंदना गान करने के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि क्षमाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत अच्छे जया जी, रीना जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगा। वैष्णवी रंजन आप लोगों के सामने एक स्वागत गान प्रस्तुत कर रही हैं। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। बहुत अच्छा वैष्णवी, बहुत बढ़िया डांस। आरवी गुप्ता, बढ़िया डांस किया। क्या नाम बेटा? आरबी गुप्ता ने बहुत अच्छा डांस किया। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए आप लोग उसके लिए। बहुत बढ़िया गाना। जूही गुप्ता, जूही गुप्ता, जूही
सखियां यहाँ एक साथ मंच पर हैं। आप सभी को सावन मिलन का सालों भर इंतज़ार रहता है, हमें भी रहता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा और संस्कृति दोनों का परिचायक है। परंपरा से महिलाएं भारत में तीज त्यौहार मनाती हैं, बनाव श्रृंगार करके सजती संवरती हैं, गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, और ये हमारे भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है। चाहे हम किसी राज्य के निवासी हैं, हम कहीं रहते हों, अभी तो हम राजधानी में हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में भी तीज त्यौहार और परंपराएं बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, और ये हमारे रोज की दिनचर्या में एक उत्साह और स्फूर्ति भर देता है। आप साल भर इंतज़ार करते हैं हरे परिधान में धरती के साथ हरियाली में रंगने का। धरती वर्षा से हरी भरी होती है और महिला वो भी धरती की तरह देने वाली है, दात्री है, प्यार सुख संतति सबकी वृद्धि नारी शक्ति करती है, और हमारा वैश्य समाज इस परंपरा का निर्वाह करके बहुत यश का भागी है। मैं जोरदार ताली चाहूंगी इस सावन मिलन समारोह के लिए, जो सालों साल इतनी अच्छी परंपरा को बिल्कुल नियमित रूप से लागू किए हुए हैं। तो हम अपना कजरी गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गीत बिल्कुल छोटा सा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और आस्था का प्रतीक भगवान शिव और पार्वती पूरे श्रावण मास में धरती पर एक साथ विराजते हैं, और राधा कृष्ण आहा इनकी तो बात ही अलग है। इनका झूलना पालना नृत्य करना रास करना, आप वृंदावन और ब्रज में जाके देखिए क्या छवि है। तो हम शुरू करते हैं अपना कजरी गीत। सब लोग रेडी? सखियां चलो चले दर्शन का, ब्रज में झूल रहे गोपाल। सखियां चलो चले दर्शन का, ब्रज में झूल रहे गोपाल। काहिन काठ का बना हिंडोल, काहिन काठ का बना हिंडोला, काहिन लागी डो हे रामा, काहिन लागी डो। सखियां चलो चले दर्शन का, ब्रज में झूल रहे गोपाल। सखियां चलो चले दर्शन का, ब्रज में झूल रहे गोपाल। कोई न झूल चंदन काठ का बना हिंडोल, चंदन काठ का बना हिंडोल, रेशम लागी डो हे रामा, रेशम लागी डो। सखियां चलो चले दर्शन का, ब्रज में झूल रहे गोपाल। सखियां चलो चले दर्शन का, ब्रज में झूल रहे गोपाल। कोई न झूले कोई न झूलावे, कोई न झूले कोई न झूलावे, कोई न खींचे डो हे रामा, कोई न
सखियां चलो चले दर्शन का ब्रज में झूल रहे गोपाल। सखियां चलो चले दर्शन का ब्रज में झूल रहे गोपाल। काना झूले राधा झूल काना झूले राधा झूलावे यशोदा खींचे डो हो रामा यशोदा खींचे डो। और सखियां चलो चले दर्शन का ब्रज में ढूल रहे गोपाल। सखियां ना चले दर्शन का ब्रज में झूल रहे गोपाल। सखियां चलो चले दर्शन को ब्रज में झूल रहे गोपाल। धन्यवाद। झूलों का आनंद भगवान के साथ कितना मनमोहक होता होगा जब कृष्ण जी को बिठाकर राधा जी झूला रही हैं। कोशिश कीजिए घर में भी आपकी पत्नी आपको ऐसा सुख प्रदान करे, हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। अभी एक गेम हम लोग खेलेंगे जिसमें कि जो जो गेम खेलने के लिए इंटरेस्टेड है वो सामने आ जाए। पावनी जी आएंगी, वो एक गेम प्ले करेंगी। नहीं 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 नहीं, वो तो पता है कि आप हैं। राम जी, ऑप्शन कितने हैं? बहुत सारे। अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक मिनट का टाइम है, एक मिनट का टाइम है। खास बात, कल हो ना हो, कल हो ना हो। प्लीज बम फोड़ रहा है कहीं चार एक वाला वो माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है उनका, ऑन करवाइए। घुमाएंगे तो उनको भी एंजॉय करेंगे ना। आउट आउट आउट। क्या संजीव जी, लिपसिंग नहीं करनी है। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, टिक टिक नाइन एंड टेन, टाइम ओवर। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। नहीं मैंने हिंट नहीं दिया, मैं तो गाना गा रही हूँ। मुंह से नहीं बोलो।
प्रतिभा जी नो चीटिंग, आपसे तो है ही किसी और से है तो बहुत स्टेज यहाँ खाली एक बार बस आउट 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 अभी हमारे सामने एक डांस करेंगी ऐश्वर्या प्रभा। प्रस्तुत है सास बहू का एक प्यारा सा नाटक। चलिए देखते हैं कि एक मॉडर्न सास अपनी सुशिक्षित बहू से क्या कहती है, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मीनाक्षी एंड ममता। बहू बहू कहाँ रहती है बहू? सुनो जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। हाँ कहाँ थी तुम? अरे मैं तुमको 10 बार आवाज लगाती रही। मैं अब तुम्हारे समय में तो हम लोग इतना यंग थे तो क्या क्या करते रहते थे। मैं काम करी थी मम्मी, कुछ काम करी थी मम्मी जी। हम लोग पूरे घर को संभालते थे, सब देखते थे, है ना, किसको क्या चाहिए, किसको क्या जरूरत है, हाँ किसको क्या जरूरत है, ये सब देखते रहते थे ना कि वो कौन परेशान है, घर में क्या जरूरत है। एक तुम हो कि 10 बार जब आवाज लगाओ तब सुनती हो। फिर कुछ समय बाद बहू फिर नहीं सुनती है। बहू जी मम्मी जी क्या चाहिए, मम्मी जी क्या चाहिए, मम्मी जी क्या चाहिए, मम्मी जी क्या चाहिए, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी क्या चाहिए, देवर जी क्या चाहिए, ननन जी क्या चाहिए, बुआ जी क्या चाहिए, सासू जी क्या चाहिए, देवर जी क्या चाहिए, सासू जी क्या चाहिए। अरे रुक जा अब तुमको कोई बुलाएगा तो मत आना। अब तुम जाओ मुझे नहीं बुलाना तुमको। अब तुम जाओ, बाप रे, अब मत आना तुम बुलाने के बाद। आरबीएस के महासचिव कर्नल ईश्वर दयाल शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। मैं कर्नल साहब से चाहता हूं कि दो शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में व्यक्त करें। कि नौकरी पा सकते हैं लेकिन आप दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने इतना डेडिकेटेड पदाधिकारी नहीं देखा है जो सुबह से शाम तक समाज के लिए काम करते हों। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए प्लीज। सभी को जय हिंद। मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा, इसके बाद थोड़ी दो चार शब्द बोलूंगा। कर्नल ईश्वर दयाल शाह मेरा नाम हुआ। मैं आर्मी पोस्टल सर्विस में सर्विस करा 36 साल। उसके बाद अक्टूबर 2018 में रिटायर हुआ। एक दो साल घर में सेटलमेंट में टाइम लगाया। इसके बाद भूतपूर्व अध्यक्ष मदन जी और दिनेश जी दोनों ने प्रेरणा दिया समाज ज्वाइन करने के लिए, तो फिर हमने रौनियार वैश्य सभा ज्वाइन किया। हेलो। और पहली जिम्मेवारी हमको कोषाध्यक्ष का मिला, तो हमने फुल टेन्योर और खूब ईमानदारी से मेहनत करके उस जिम्मेवारी को निभाया और सारा प्रोग्राम कराते हुए 2-2.5 लाख रुपया हम लोगों ने फिक्स कराया, छोटी सी राशि।
लेकिन वो परिपाटी जारी रहेगी। अभी फिर कुछ पैसा जमा करके बैलेंस बचाए हैं, फिर जमा करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, हम घर घर मैक्सिमम जगह घूमे हैं। दूसरी कम्युनिटी के लोगों का जितना उत्साह समाज के प्रति होता है, तो अपने समाज में थोड़ा सा कम है। हम अधिकारी हैं, बिजनेस में हैं, दुकानदार हैं, तो जिस कैपेसिटी में है उस कैपेसिटी में समाज के लिए हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, कुछ आर्थिक सहयोग में भी करना चाहिए, कुछ नया काम भी होना चाहिए। दो तीन साल से हमने यही देखा कि होली और सावन मेला इतने में हम रह जाते हैं। लेकिन हम ज्वाइन किए थे कि कुछ नया काम करें, जैसे रौनियार समाज के नाम पर दिल्ली में कोई धर्मशाला नहीं है, प्लस सामाजिक वेलफेयर का काम कुछ हुआ है, कुछ और भी होगा, जैसे किसी बच्चे का पढ़ाई है, फीस भरना है, कोई बीमार है उसको मदद करना, आर्थिक मदद करना है, रक्तदान करना है, तो ऐसे कार्यक्रम भी कुछ हुए हैं। और लेकिन रक्तदान में अपना समाज थोड़ा सा पीछे है, ये सब क्षेत्रों में आगे होना चाहिए। रौनियार सेवा सदन के इस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं श्री अनिल गुप्ता जी नोएडा, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और श्री अनिल गुप्ता जी का मैं आभार व्यक्त करते हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप यहां स्टेज पर आएं। श्री अनिल गुप्ता जी नोएडा आइए। और मैं श्री राजीव रंजन जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से आग्रह करता हूं कि उनको माला पहनाएं इस जिम्मेवारी के लिए, और साल से स्वागत करें। सॉल इसमें है, सॉल सर इसमें है, उसी बैग में, हाँ उसी में निकालिए, स्वागत करें। और हम कार्य समिति से निवेदन करते हैं कि वो इस तरफ से आ जाएं। रौनियार सेवा सदन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री अनिल गुप्ता जी, आप स्टेज पर रहिए सर, आप स्टेज से नहीं जाएंगे, अकेले हैं इसलिए आपको दिया जाएगा। आप स्टेज पे। मैं श्रीमती अनिल गुप्ता जी, श्रीमती मधु जी से आग्रह करता हूं कि आप स्टेज पर आइए प्लीज। आप इनको सहायता देंगी तो हमारा रौनियार सेवा सदन बनेगा। तालियों से स्वागत करिए। इन्होंने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। कर्नल ईश्वर दयाल शाह का स्वागत करेंगे श्री अजय कुमार शाह, युवा अध्यक्ष रौनियार बैस सभा दिल्ली। ये नई जिम्मेदारी है कर्नल साहब। प्लांट दीजिएगा। रौनियार सेवा सदन का जो आगे का लोगों को जोड़ूंगा मैं, और जो भी आगे का कार्यक्रम है उसमें उनका जिम्मेवारी दूंगा, उनका सम्मान करूंगा मैं। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारा कार्यक्रम जिस तरह का भी रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था वो पुनः कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन हम उससे पहले लंच ब्रेक लेते हैं हम लोग। और मैं माननीय श्री अनिल गुप्ता जी से, श्री विशाल जी से, श्री कर्नल ईश्वर दयाल से अगर कुछ कहना चाहते हैं रौनियार सेवा सदन के बारे में, तो आपका स्वागत है, माइक आपके हवाले। धन्यवाद। हमारे आज के शुभ कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। और मुझे खुशी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सभागार में, जो हम सब परिवार रौनियार परिवार एक साथ एकत्रित हैं, हम सभी आपको श्रावण मेला की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं, श्रावण मास की। और कुछ हमारी अध्यक्ष जी, जैसे अभी कुछ दिन पूर्व हमारे अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, कुछ चर्चाएं हुई थी कुछ विषयों पे, तो इस विषयों पे ठीक है हम होली मिलन करते हैं या सावन मेला करते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम अगर सोशल एक्टिविटीज़ वाला भी करते हैं ना, तो समाज में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि साल में सिर्फ दो कार्यक्रम होता, अगर हर मासिक हर त्रैमासिक कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के कार्यक्रम होते ही रहे तो लोगों में एक एकजुटता बनी रहती है। रही बात अभी जो विषय, अभी जिस विषय के लिए अध्यक्ष जी ने हमसे संपर्क किया था कि अपना एक विशाल एक स्वरूप में एक अपने सभा का अपने एक भवन का निर्माण किया जाए, जैसे कि ये दिल्ली शहर है, देश की राजधानी है, और सभी राज्यों से लोगों का, अपने समाज के लोगों का आगमन होता रहता है, चाहे किसी ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए या हमारे युवा हैं या हम किसी बीमारी के लिए, लोगों का आगमन किसी न किसी रूप में होता रहता है।
इसके अलावा साथ साथ ये भी है कि अगर हम कोई मीटिंग करते हैं, अगर हम कहीं ऐसी जगहों पे करते हैं तो हमें व्यय करना होता है, अगर अपना सभागार बन जाए तो ये सब चीज़ों से हमारे समाज को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस विषय पर नींव रखने के लिए, वैसे तो ये कुछ वर्ष पूर्व ही मदन नोनियार जी के नेतृत्व में भी इस बात की चर्चा हुई थी, उन्होंने कुछ प्रयास भी किया था, लेकिन जो भी हो आगे बढ़ा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम एक कदम और आगे प्रदीप जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक विशेष सुझाव है इस विषय पर, अगर हम करना चाहते हैं तो, चूंकि अभी हम देख रहे हैं जिस रूप में भी अर्थ का एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक भवन बनाना एक करोड़ों का प्रोजेक्ट है, और अगर हम भवन कहीं ऐसी जगह बना लें जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की सुविधा ना हो, जहाँ पे अगर 200-250 मेंबर्स अगर आते हैं मीटिंग्स में तो 50 गाड़ियाँ पार्किंग करने की जगह, क्योंकि ये राजधानी है, दूसरे राज्य से भी आते हैं, तो सुविधा हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, गाड़ी पार्किंग की सुविधा हो, और ऐसा भवन हो कम से कम कि जिसमें 200 आदमी की सभागार में हम मीटिंग भी कर पाएँ। तो मैंने डॉक्टर प्रदीप जी को, अध्यक्ष जी को मैंने एक सुझाव दिया था अपना कि पहले एक इसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें कि कितना हमारा अनुमानित बजट है, कितना हमारा ज़मीन पे हम बनाएंगे, और ताकि उस पर एक हमारा 200-250 आदमी की मीटिंग भी हो सके, 5-10 कमरे हों, 2-4 हॉल हों, या किसी की शादी हो, समाज के बच्चों की शादी हो, कोई शिक्षा करने बाद दूसरे राज्यों से आता है 2-4 दिन के लिए निवास कर सके, कोई बीमारी के लिए आता है उनको रहने की सुविधा मिल जाए। तो इस दिशा में हम पहले अपने को देखना होगा कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, लाइन कितने की आती है, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आती है, उसके आधार पे ही हम ये तय करेंगे कि इतना बड़ा फंड हम कैसे, क्या ये संभव है कि सिर्फ दिल्ली राज्य के भरोसे हम इस मीटिंग को कर पाएंगे? नहीं, हमें ऐसा लगता है इसका लाभ दिल्ली से ज़्यादा लोग दूसरे आए हुए प्रदेशों से लेंगे। तो इसको अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको मुहिम चला करके पूरे राष्ट्र से, हर राज्यों से, जहाँ भी हमारी वैश्य संगठन की रणियार वैश्य संगठन की इकाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, जितने भी राज्य में हो, हम सबकी सहभागिता लेकर के एक ऐसा बड़ा अगर बना ही रहे हैं तो दिल्ली में जिससे अग्रसेन भवन है, जिस तरीके से उन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, उसके अंदर एसी हॉल हो, एसी कमरे हो, क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही कि आपने 2 कमरे बना दिया, टूटे फूटे बाथरूम लैट्रिन बना दिया, कहीं आपने गार्डन बना दिया, तो शायद संभव नहीं है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। कुछ उसमें ऐसा भी रहे कि उसमें रिकरिंग इनकम भी आता रहे, एक नॉमिनल चार्ज पे कमरे भी मिल जाए आम आदमी को भी। इस तरीके से अगर हम निर्णय करते हैं और टोटल बजट का विस्तार करते हैं तो मुझे लगता है कि संभव हो पाएगा, अगर हम सारे राज्यों को अपने आज की तारीख में अपने रणियार संगठन की 12-13 राज्यों में संगठन चल रहा है, और 12-13 राज्यों में बहुत से ऐसे मजबूत लोग हैं जिनसे मैं कहूं कि दिल्ली राजधानी में आप मदद करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिल जाएंगे। अभी अगले महीने ही सितंबर में एक वैश्य संगठन की मीटिंग हो रही है, ओम प्रकाश जी अपने कर्नाटका से DGP साहब के नेतृत्व में, जिसमें जेके प्रसाद जी भी बेंगलोर से आ रहे हैं, और करीबन 12-13 राज्यों से उस संगठन में लोग आ रहे हैं 14-15 सितंबर को, इसी दिल्ली में मीटिंग है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी उस बीच में सम्मिलित हों, इस पर भी चर्चा करें कि हम कैसे 12-13 राज्यों से धन इकट्ठा कर पाएं, क्योंकि ये बजट सिर्फ लाखों का नहीं है, बजट ये करोड़ों का है, जमीन का बजट करोड़ों में आएगा, बनाने में भी करोड़ों में आएगा खर्चा। तो ये संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है, संभव है, लेकिन हम सभी का एक संकल्प चाहिए, सबको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, जो जिस राज्य से लगता है, अपने अपने समृद्ध लोगों से एक गुहार लगा करके, ये सब हम अपने परिवार का एक गौरव की विषय भी होगा कि पूरे भारत में, दिल्ली राज्य में, एक कैपिटल में, एक राजधानी में, हमारे देश का एक विशाल भवन है। तो मेरी अपना ये विचार में है कि अगर बनाएं तो अच्छा बनाएं, बड़ा बनाएं, बृहद बनाएं और सुंदर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार अध्यक्ष जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी एक कमेटी है, अवार्ड सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने ये तय किया है, इसलिए इसमें पक्षपात का नहीं है, बिल्कुल ही। तालियों से स्वागत करिए प्लीज, हमारे समाज की हैं, हमारे घर की हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं ये। हम आपकी अच्छी सेहत, सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। जय रोनियार, जय रोनियार वैश्य सभा दिल्ली, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती पूनम गुप्ता, करतल ध्वनि से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्लीज। मेरी आवाज़, हम लोग भोजन भी कर चुके हैं, हमारे अंदर अब ताकत के नई संचार हुई है, तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत हमें भी गाइड करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं हमें कि समाज को कैसे आगे ले जाना है। सभी रोनियार बंधुओं को, छोटे बच्चों को, जो हमसे बड़े हैं उनको, सबको
नमस्कार, सावन मिलन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और मुझे आप लोगों ने जो ये सम्मान दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबकी आभारी। और मैं हमेशा कोशिश यही रहेगा मेरा कि मातृशक्ति, आप लोग तो एकजुट है ही हैं, मातृशक्ति को एकजुट करना है, पहला मेरा ये उद्देश्य है। मैं हमारे समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री मोहन गुप्ता जी, SDM सीमापुरी, और इनके बारे में कुछ और बातें, एक स्वागत श्री राजीव रंजन जी के द्वारा। तालियों से स्वागत करिए प्लीज, ये सम्मान है। श्री राजू गुप्ता जी स्टेज पर आइए। आइए सर प्लीज। हमारी टीम जो है कार्यकारिणी की, वो इस काम में साथ रहे मेरे। सम्मान किसी को भी दिया जाता है तो कुछ ना कुछ खास होते हैं। हम मोहन जी हमारे खास हैं और हमारे लोग के श्रीमती एडमिनिस्ट्रेशन के गार्जियन पूजा गुप्ता जी और श्रीमती अंजलि गुप्ता जी स्वागत करेंगी। आप सबका स्वागत है। देखिए समाज है मोहन जी, पूजा जी, और इस समाज में जब भी आपको आवाज़ मिले या नहीं मिले, जब भी कहीं संदेश भी मिले तो दौड़ के आना है, ऐसा हम निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं आपके साथ। और हम लोग भी सब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के कोई बसिंदा नहीं है, सब कोई अपने अपने तरीके से अपने लाइफ जी रहा है, यहाँ पे आनंद में ही जी रहे हैं। और जो भी कुछ होता है, हम लोग जितने लोग हैं समाज में, आज जितने डेडिकेटेड लोग हैं, इन सब लोगों ने इस समाज को बहुत आगे, रोनियार समाज को 30 सालों से हम लोग इसको पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। राजू गुप्ता जी बुके से स्वागत करिए, बुके लीजिए, वहाँ से बुके उठाइए, वहाँ जा मेरे से पूछ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ मोहन जी से कि दो शब्द आशीर्वचन के हम लोग को भी मिले। सभी को नमस्कार। आपने सम्मान दिया और सम्मान से पहले भी हमें निमंत्रण दिया यहाँ आने के लिए, तो आपको निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद और यहाँ पे सम्मान देने के लिए भी धन्यवाद, दोनों चीज़ों के लिए धन्यवाद। इससे पहले मैं मार्च 2023 में जब होली मिलन समारोह हुआ था, तो मैं रोनियार वैश्य सभा, जो ये सांस्कृतिक संस्था है, इसको जातीय संस्था के रूप में मैं नहीं देखता, क्योंकि ये एक सरकारी ऑफिसर के लिए जातीय संस्था के रूप में देखना गलत है, तो मेरे लिए एक सांस्कृतिक संस्था है। तो मार्च 2023 में आया था और वो NDMC के जो सभागार है जंतर मंतर के सामने, वहाँ पे मनाया गया था, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में और इस समुदाय के लोग सांस्कृतिक सभा मना रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला शक्ति के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं इसको और भी आगे कुछ जोड़ना चाहूँगा। ये जोड़ना चाहूँगा कि रोनियार समाज में या इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत लोग आते हैं, वो केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आते हैं या पारिवारिक और संबंध के दृष्टिकोण से आते हैं, या नए संबंध आगे कैसे सृजन किया जाए उस परिप्रेक्ष्य में आते हैं। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य से भी अगर आगे सोचा जाए तो इस समाज में और ये जो सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य हो रही है, इसमें अगर जो बच्चे हैं, जो 25 ईयर्स से नीचे हैं, जो 20-22 साल के हैं, 18 साल के हैं, अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक संस्था उनको शैक्षणिक सुविधा अगर प्रदान करे, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रदान करे, जैसे जो लोग भी अपने समाज से ऊपर उठ चुके हैं समाज में, जैसे अतीश सर हैं, अजय कुमार गुप्ता सर हैं, मैं हूं और मेरे जैसे और भी तमाम लोग हैं, तो उनसे अगर गाइडेंस प्रोग्राम के रूप में, और ऐसा नहीं कि मैंने एक सगुफा छोड़ दिया और यहां से गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है उसको, इस क्योंकि आज आप जो है एक यहां पे समारोह के रूप में उपस्थित हैं, अगर समारोह के रूप में उपस्थित ना होते तो शायद मैं यही कहता कि एक काउंसलिंग प्रोग्राम चलना चाहिए, जो अंडर 25 ईयर्स हैं, जो 18-25 ईयर्स के लोग हैं, उनके लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम चलना चाहिए कि वो आखिर किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। माननीय श्री मदन रोनियार जी का स्वागत श्री रमेश गुप्ता जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MCD करेंगे।
तालियों से स्वागत करिए। ये हमारे पृष्ठभूमि में काम करने वाले वो लोग हैं। जितने भी इस हॉल में बैठे हुए हैं मातृशक्ति भद्र पुरुषों, सभी का मेरा नमस्ते है, प्रणाम है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी को और जो कमेटी है उसको मैं देना चाहता हूं। हमें बहुत खुशी है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर, मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो महिला संगठन यूथ संगठन का जो गठन हुआ, पूरे राष्ट्रीय स्तर में एक संदेश गया था कि कोई संग अपना समाज का कोई इस तरह का संगठन मातृशक्ति के ऊपर विचार ही नहीं करता था, लेकिन आप सबके सहमति से ही 2014 में इस कार्य को प्रारंभ किया और आज आपके सामने ये सब दिखाई दे रहा है। और हमने तो कौशल विकास के लिए भी बात किया था कि अपने परिवार में हमारी बहुत सी बहनें बेटियाँ और तमाम है तरह तरह की आजकल व्यापार कर रही हैं, उसका प्रदर्शनी और जो भी चीज़ यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगता तो हमें और भी खुशी होती। पद्मिनी जी ने हमको कहा था कि मैं यहाँ पर कुछ कर पाऊँगा, लेकिन आज जानकारी हुआ कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए लगा नहीं पाई। लेकिन मेरे मन में एक कल्पना है कि अपनी परिवार की महिलाएँ जो हैं आ करके अपना कौशल विकास, जो भी व्यापार करती हों या नौकरी दे सकती हो, वो सामने आवे, कम से कम आ करके हम सबको ये दिखावे कि भैया हम समाज में हम भी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक राज की बात है, अपनों से अपनापन चाहते हैं तो बेवजह, अपनों से अपनापन चाहते हैं तो बेवजह मिलते रहिए, क्योंकि कई रिश्ते बुलावे के इंतजार में टूट जाते हैं। तो इंतजार नहीं करना है, अगर कोई बुलावट कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ लेना है, इसको तोड़ना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे राजेश कुमार जी, कस्टम राजेश कुमार जी, कृपया कृपया मंच पे आइए। मैं थोड़े दो बातें आपका भी कहना चाहता हूं। राजेश जी बोला सर, राजेश जी पूर्णिया के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में सरकारी नौकरी कस्टम से असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम रिटायर किए हैं। ये तो इनका एक अभी वर्तमान पोस्ट है, लेकिन मैं स्टेज पे चूंकि यह सारे कार्यकर्ता और कार्यकारिणी लोग खड़े हैं तो मैं इनके अवदान को भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं जब दिल्ली आया था 86-87 में, आई थिंक 90 के आसपास में हम लोग मिले थे, तो राजेश जी उस समय रोनियार बैस समाज के कैशियर हुआ करते थे। उस समय संस्था रजिस्टर्ड नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हम लोग पार्कों में मिला करते थे, और उस समय इन्होंने कैशियर का पद स्वीकार किया था सरकारी नौकरी रहते हुए। तो उस समय से ये समाज से जुड़े हुए हैं। आज आप ही के द्वारा देखिए ये सब संगठन जो है कहां से कहां तक पहुंच रहा है, और आप भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, जब भी बुलाटा होता है आप चले आते हैं। आपका भी स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपका। और उम्मीद है कि जो अभी एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है घर मकान लेने का समाज के लिए, तो उसमें आप भी अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये समा, देखिए हो सकता है कि कुछ लोग लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आज अगर यहाँ पे आप हम सब यहाँ बैठे हैं आए हैं तो ये सब इनके ही बदौलत है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, आपसे हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इनका स्वागत करिए, क्योंकि इन्हीं लोग के कारण से आज हम यहाँ बैठे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अभी एक आदमी हमको मिले थे यहाँ पे, बड़ा उदास लग रहे थे, बहुत सूट बूट में थे, चकचक में बहुत मजे से बैठे थे, मैं बहुत उदास लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई उदास क्यों लग रहे हो, तो बोला क्या करें सब हमको कामचोर बोलता है। मैंने कहा कामचोर बोलता है? मातृशक्ति से निवेदन है कि आप अपना प्रोग्राम लेके आइए।
बेहतरीन कार्यक्रम रहा, बहुत ही अब तक के सावन मेला में बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, बहुत ही स्मरणीय पल 2024 सावन उत्सव याद रहेगा हमें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।